हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल का अबाउट कैसे लिख सकते हैं। गाइस, जब आप किसी का यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर अबाउट लिखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई व्यूअर हमारे चैनल पर विज़िट करता है और अगर वो हमारे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तब वो हमारे अबाउट सेक्शन में चला जाता है। वहाँ पर उसको हमारे बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर उसको हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव लगता है तब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सामने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेता है, उसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन उसको मिलता रहता है। और जब उसको नोटिफिकेशन मिलता है तो वो हमारी वीडियो उसको देख भी लेता है, जिससे हमारा वॉच टाइम भी इंक्रीज होता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल का अबाउट कैसे लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस जीमेल आईडी से आपने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो हमने उस जीमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे अपने चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको योर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेंसिल का, आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा नेम का, आप यहां से अपने चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का बॉक्स देखने को मिल जाता है, आप यहां से अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपको उसके सामने एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप यहां पर अपने YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हमने जो डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है हम उसको इरेज़ कर देते हैं। तो गाइस, हमने जो यहां पर डिस्क्रिप्शन पहले से लिखा हुआ था वो हमने यहां पर इरेज़ कर दिया है। अब हमें यहां पर न्यू डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। आप यहां पर 1000 लेटर तक टाइप कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कर लिया है। उसके नीचे अब आपको एक ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन सेव हो चुका है। अब आपको बैक आ जाना है। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर ओपन हो गया है। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।